हे फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे अपने हेडर फुटर वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको हेडर फुटर बनाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख ले रहे हो, आप लोग आसानी से हेडर फुटर कस्टमाइज कर सकते हो खुद से। मैंने खुद से किया है और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप और अच्छे से हेडर फुटर अपना बना सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देख रखो तो आप सीख जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, और रेगुलर वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नो बात सीधी बकवास। तो कैसे हमें हेडर फुटर बनाना है, मैंने ये वाली वेबसाइट ली है। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमें ऐसा हेडर में ऐसा है, सारी चीज़ें, बटन चाहिए, सारे मेन्यू चाहिए और लोगो चाहिए। नीचे आपको फुटर दिखा देता हूँ, मेरे को ऐसा फुटर चाहिए सिंपल सा। तो ये बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीधे अपनी वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, वहाँ पे जाने के बाद आपको वर्डप्रेस के आपको आपको जाना है प्लगइन्स में। आप लोग जाएंगे डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के, तो वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखो आ रहा है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन्स पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डालना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। जब आप इस पर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे टॉप पर आ रहा है, अभी आएगा। यहाँ पर देखिए एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, आपको ये वाला एलिमेंटर हेडर फुटर एक्टिव करना है, इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है। जब आपका एलिमेंटर एक्टिव हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिएगा अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, अपीयरेंस पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एलिमेंटर हेडर और फुटर बिल्डर आ रहा है, अपीयरेंस में आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऐड न्यू आ रहा है ऑप्शन, एलिमेंटर हेडर और फुटर के बगल में जस्ट लेफ्ट में। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको इसका नाम रख देना है हेडर, जो भी आप लोग हेडर लिख दीजिएगा। आपको हेडर बनाना है तो हेडर बनाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है हेडर। यहाँ पर डिस्प्ले ऑन, आप पूरी इंटायर वेबसाइट है किसी मल्टीपल सिंगल पेज पे करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग इंटायर वेबसाइट पे कर दीजिए, इंटायर वेबसाइट। यूजर रोल्स ऑल पे कर दीजिए और एलिमेंटर कैनवास टेम्पलेट पे भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डिसेबल सेक्शन में देखिए, डिसेबल फीचर में, डिसेबल ब्रांड कम, डिसेबल टाइटल, और आपको यहाँ पर क्या करना है, पब्लिश। आपको एक बार पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर आना है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। एलिमेंटर पे क्लिक करोगे थोड़ा ये लोडिंग लेगा एलिमेंटर आपका, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको अच्छा सेक्शन लेना है इस विजिट्स में से, इसको विजिट्स बोलते हैं। यहाँ से आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैं आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये कॉलम हो गए, ये कॉलम सेक्शन में, तो ये तीन सेक्शन हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग तीन वाला ले लेंगे, ये स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले लोगो आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, बटन आ रहा है। हमें पहले एक इमेज ले लेनी है और यहाँ पर ड्रैग कर दी। उसके बाद हमें एक मेन्यू लेना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे मेन्यू। मेन्यू सर्च किया और यहाँ पर मेन्यू नेविगेशन मेन्यू को क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें बटन हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये चीज़ें हमारी तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेज पे क्लिक करना है और अपने लोगो ले लेना है कि आपने लोगो ले लिया। उसके बाद आपको लोगो को यहाँ पर रिसाइज कर देना है 10% तक। आप लोग जितना छोटा करना चाहें तो यहाँ पर इतना कर सकते हो। और आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिएगा साइड सेक्शन, इसी सेक्शन की सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। कंटेंट विड्थ दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक कर दो, आप यहाँ पर फुल विड्थ कर दो, अब आपका वेबसाइट फुल में चलेगा। और इसके बाद आपको ये देखिएगा मेन्यू है, इसकी सेटिंग में आपको क्या करना है, ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट में जाके आपको क्या करना है, मिडिल कर देना। अब ये बराबर पे आ गया, और इसको हम साइड में करना चाहेंगे तो पहले हम बटन का एडजस्टमेंट करते हैं। ये हो गया बटन का एडजस्टमेंट। अब बटन को भी हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट से बीच में कर देते हैं, मिडिल में। तो ये हो गया, तो तीनों हो गई चीज़ें। अब इसमें कलर वगैरह चेंज, जो सारी चीज़ें करेंगे
हम सोचते हैं पहले इसको हम, हमारा लोगो तो हो गया है, हमें इसमें ग्रीन आ रहा है, इसको रेड करते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो रेड जो हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये, हमें ये वाइट एक तरीके से हेडर है, इसमें हमें रेड वाला ऑप्शन यूज करना है। तो इसके लिए हमें पेंसिल पे क्लिक करना है इसकी, और स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद टाइपोग्राफी और टेक्स्ट कलर, आपको क्या करना है, टेक्स्ट कलर को आपको क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर कर देना वाइट, ये ब्लैक कर दो आप, ब्लैक ही था। हाँ, और आपको होवर बैकग्राउंड कलर तो नहीं, आपको होवर पे जाना, और ग्रीन से आपको कर देना है रेड। अब देखिएगा आप जिस पे क्लिक करोगे वो रेड हो जाएगा। अब ये ठीक है, अब हमें इसकी सेटिंग ठीक करनी है। क्लिक किया पे बटन की, बटन की क्लिक किया पे आपको क्लिक कर देना है लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर शायद जो यही लिखा है, लेस टॉक लिखा है, लेस टॉक कर देते हैं, लेस टॉक कर दिया। इसके बाद हमको लेस टॉक के बाद इसका कलर चेंज करना, हम जाएंगे स्टाइल पे, और यहाँ पर टेक्स्ट कलर हमें वाइट ही रहने, यहाँ पर हम पहले हम ब्लैक करते हैं टेक्स्ट कलर को, तो अभी ठीक है। और बैकग्राउंड टाइप, तो बैकग्राउंड टाइप हमें ग्रेडिएंट नहीं करना है, हमें नॉर्मल सा रखना है। हम ग्रीन को क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, और ग्रीन को वाइट करके टेक्स्ट कलर ये बैकग्राउंड ऐसा हो जाना, वाइट ही रखना है, ठीक है। अभी अगर ना हमें बॉक्स शेडो वगैरह नहीं करना है, होवर में जाना है, और बैकग्राउंड टाइप पे हमें क्लासिक पे हमको बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पर हमें रेड कर देना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रेड होगा। तो ये देखिए, बट हमें अभी इसका कलर इस पर होवर होता है, तो इस पर हमें वाइट चाहिए। टेक्स्ट कलर होवर में जाएंगे, टेक्स्ट कलर पे हमें वाइट कर देना है। तो ये देखिए अभी ठीक है। इसके हमें बॉर्डर रेडियस को हमें क्या करना है, अच्छा कर देना है, ताकि ये गोल दिखाई दे। अभी ठीक है, और थोड़ा सा कर देते हैं, 11 ही ठीक है, 11 ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, डन, अच्छा है। थोड़ा सा इसमें एनिमेशन यूज करते हैं, हम सिंक यूज कर देते हैं, तो अभी देखो हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। अपडेट कर देंगे ताकि हमने जो चीज़ें करी हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने अपडेट कर दिया है। अभी हम इसको इस साइड करते हैं, ताकि हमारा ये सारा चीज़ें सेट हो जाए। तो ये हॉरिजेंटल पैडिंग वगैरह इस पे हम नहीं का ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, और हम एक बार पेंसिल से भी टेक्स्ट अलाइनमेंट को देखना है एक बार, और हम यहाँ पर मार्जिन पैडिंग देखिए इसको साइड में करते हैं, हम क्या करते हैं राइट में एक बार करते हैं, पर यहाँ से हमारी चीज़ें सारी बिगड़ेंगी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक आइकन, इस पे आपको लिंक वैल्यू टुगेदर से हटा के आपको अब चेंजेस करने हैं अपने। आपको मार्जिन पैडिंग का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लोग मार्जिन पैडिंग का यूज करते हैं। तो अभी हम मार्जिन पैडिंग का यूज करते हैं, तो आप जितनी पैडिंग दे दीजिएगा, तो हमने पैडिंग देना स्टार्ट कर दिया है। और ये पैडिंग देखिए, ये दोनों डेस्कटॉप का जो बटन है और ये पैडिंग मेन्यू एक साइड हो जाएगा। बस ओके, हमें इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। अपडेट कर देंगे हम एक बार, और इसको हम एक बार इस चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं सर्च करके कि अपडेट हमारा कैसा हुआ है। तो हम एक्सपीरियंस, हमने वेबसाइट को हम ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, तो अभी देखिएगा, ये देखिएगा लोगो हमारा यहाँ आ रहा है, ये सेक्शन हमारे चेंजेस हो रहे हैं, और ये लैपटॉप के बटन जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर अभी इसमें देखिएगा, यहाँ पर पास में ही है सारी चीज़ें, और हमारा जो लोगो है वो ऐसा है, और ये सारी चीज़ थोड़ा गैपिंग है, पर हमें इसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। एक बार हम और ट्राई करते हैं कि दिखा देते हैं आपको।
अभी ठीक है। तो हम और अपडेट कर देते हैं और हमें देख रहे हैं यहाँ पर बटन के ऑप्शन पे, आपको देखिए यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि हमें बॉर्डर का यूज करें, बटन बटन बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप पर हम सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड में ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं हमें सम के साथ करना है। अब ठीक है हमारा, अब देखिए अब ठीक हो रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है, अब को हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कैसा दिख रहा है, अभी इसको अपडेट करेंगे तो ये देखिएगा अभी ठीक लग रहा है इसको, ठीक है। और हमें अब बनाना है फुटर, फुटर को हम यूज करते हैं, सीधा फुटर पे चलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद हमको अपेयरेंस में जाना है, हेडर फुटर जहाँ पर हम पहले गए थे, तो वैसे ही फुटर बनाने के लिए करना है। यहाँ पर फिर से हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाल देना है फुटर, और यहाँ पर वो सारे चेंजेस करने हैं जो हमने पहले हेडर के लिए किए थे। सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमको फुटर लिख देना है, और यहाँ पर जो यहाँ पर डिसेबल वाली चीज़ें हैं तीनों मैंने बताई थी आपको, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट एरिया, सिलेक्ट एरिया इंटायर वेबसाइट करना है, सिलेक्ट ऑल पे करना है, कैनवास पे करना है, उसके बाद पब्लिश कर देना है, और आपको एलिमेंटर पे चालू हो जाना है, स्टार्ट कर देना अपना वर्क। तो आप लोग एलिमेंटर पे स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप लोग वर्डप्रेस का कोई लाइव कोर्स सीखना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है वहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम अब फुटर में जाते हैं, एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ पर देख सकते हैं कैसा यहाँ का फुटर है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक फुटर है और इसमें आइकन्स, लोगो और एक कॉपीराइट का वो है, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, ज़्यादा जल्दी जल्दी हम टाइम ना लें जल्दी से, और यहाँ पर थ्री वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल में जाके हम क्लासिक में ब्लैक कर लेते हैं पहले ही। अब हमें क्या करना है, एक इमेज ले लेनी है और इमेज में एक लोगो ले लेना है, के बाद हमें एक बार फिर से यहाँ पर बॉक्स को हमें कंटेंट विड्थ में फुल विड्थ कर देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर आइकन ले लेना है, आइकन लेने के बाद यहाँ पर एक आइकन और जोड़ लेना है, चार आइकन हो गए, और इनको हमें रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस, तो अभी ठीक लग रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपको इनको होवर कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको आइकन होवर पे जाना है, आइकन पे क्लिक करना है, ऑफिशियल कलर, तो यहाँ पर प्राइमरी कलर और होवर, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आइकन होवर पे जाएंगे और प्राइमरी कलर रेड ले लेते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है, और आइकन कलर में हम अब ऐसा ठीक लग, अब ठीक लग रहा है, ये देखिए रेड रेड है, ठीक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक की वजह से ट्रांसपेरेंट करा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें मार्जिन पैडिंग अच्छे से कर देनी है, तो हम एडवांस पे जाएंगे और हम पैडिंग दे देंगे,
अब ठीक लग रहा है, डन। यहाँ पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट एडिटर से इसको टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे हमें इसको टेक्स्ट को हमने ऐड कर दिया, और ये ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें सेक्शन की इसकी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद विजिट पे वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल, अभी ठीक है, तीनों ही मिक्स सही लग रहे हैं। हमें थोड़ा सा इसको साइड कर देना है, और ये तो ठीक लग रहा है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर यहाँ बीच में है ये, साइड में, और ये ठीक है। हम एक बार अपडेट करते हैं और इसको एक बार देखते हैं स्क्रीन पे हमारा फोटो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जाते हैं, तो ये देखिएगा हमारा फोटो अभी जैसा यहाँ पर है वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर मैजिंग पैडिंग में थोड़ा गैप है, हमने अपने हिसाब से किया था मार्जिन पैडिंग, और पर देख सकते हो आप लोग। हमें इसको चाहे तो हम इसको और थोड़ा इधर कर सकते हैं, इसको आइकन्स को बीच में लाना चाहते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं उस चीज़। यहाँ पर हमें इसको भी मिडल कर देते हैं, और पर आइकन्स पे हमें क्या करना है, तो हम लेफ्ट करते हैं एक बार, ये देखिए लेफ्ट हो रहा है, बीच में आ जाएगा, अभी ठीक लग रहा है। इस पे हमें जाते हैं, एडवांस में जाएंगे, और इसमें भी हम थोड़ा सा लेफ्ट में कर देंगे। अभी ठीक है, एक बार अपडेट करते हैं और एक बार दिखाते हैं आपको। तो अभी अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो रहा है, अभी दिखाते हैं आपको अपना वेबसाइट में। अभी आइकन्स बीच में तो आ गए होंगे, पर हम लोगों में भी एक बार हम चेंजेस करते हैं, लोगों पे क्लिक करते हैं, स्टाइल स्टाइल से हमें यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं इसको। आइकन में भी हम एक बार इसको हम राइट कर देते हैं। अब देखिएगा ये, मतलब हमें तो सेंटर ही करना है, अभी सेंटर ठीक है, अभी सही लग रहा है। अपडेट करते हैं और यहाँ पर आपको अपडेट कर, और इसमें हमें इसको मिडल करना है, इसको हम पहले एक बार राइट कर देते हैं, अभी ठीक लग रहा है, अभी डन है। आपको अगर इस टेक्स्ट को करना है चेंजेस तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर में आके अलाइनमेंट में आपको राइट कर देना है, और इसमें कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और एडवांस में आपको थोड़ा मार्जिन पैडिंग देना हो तो वो आप दे सकते हो। और अपडेट करते हैं एक बार, हम देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। अभी हम लर्निंग एक्सपीरियंस पे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हमें पूरा क्लियर हो जाएगा हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा और मैम का जो भी वेबसाइट है उसको सेम टू सेम डिट्टो है, और यहाँ पे देखिए लोगो हो गए, बीच में ये हो गए आइकन्स, और ये राइट रिजर्व, तो वही चीज़ हमने करी है। यहाँ पे देखिएगा ये लोगो हो गया, ये आइकन्स हो गए, और ये रिजर्व हो गया। तो ऐसे आप लोग भी मार्जिन पैडिंग देख के सारी चीज़ें कर सकते हो बहुत आसानी से। एक बार हम हेडर में भी ठीक है, अच्छा है, ये आइकन साइड में हो गया और ये हो गया, इसमें ये हो गई, सारी चीज़ें हो गई। हम एक बार हेडर फुटर में एक बार अच्छा लग रहा है हमारा डिज़ाइन, और हम चाहते हैं कि एक बार हम हेडर फुटर में और एक बार करके देखते हैं। आपको अगर आपको और चेंजेस करना चाहते हो तो आप लोग दोबारा से देखो, एक बार अपेयरेंस पे जाना है आपको, हेडर फुटर पे ही क्लिक करना है। वहाँ पर आपको, मैंने हेडर पहले क्लिक किया था, फुटर आपने दोनों चीज़ें बनाई नहीं है। मैं एक बार मैं आपको फिर से एडिट करके दिखाता हूँ एलिमेंटर के साथ। यहाँ पर आपने पूरा ऐसे एक आपको प्रोसेस है जो आपको स्टार्ट कर देना है नेविगेट, उसमें अपीयरेंस में जाके हेडर फुटर में वाले ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो।
यहाँ पे आपको पेंसिल पे क्लिक करना है लेआउट। लेआउट में यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है राइट। अभी देखिए राइट मैंने जैसे किया यहाँ से ना ये चेंजेस हो गया। अभी आप मैं आपको अपडेट करके यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पर आप लोग विजिट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब देखो आप, अब मैं आपको मैम का दिखाता हूँ लोगो। ये देखिएगा मैम का लोगो जो है, जो हेडर है मैम का वो ऐसे आ रहा है और हमारा हेडर जो हमने बनाया वो ऐसे आ रहा है। सेम टू सेम हमने चीजें करी हैं और ये देखिएगा ये सारी चीजें जो हमने की हैं वो मैम के में भी हो रही हैं। ये देखिएगा, ये देखो जो मैम ने किया वो हमने किया, सेम टू सेम देखो ये चीजें हो रही हैं। ये देखिए सेम टू सेम डिट्टो हमने पूरी वेबसाइट का हेडर फुटर क्रिएट किया है। आने वाली वीडियो पूरा ये वेबसाइट जो है पूरा हम आपको बना के दिखाएंगे, प्रोसेस जीरो से लेके पूरा बेसिक टू एडवांस, जितने भी आवर की वीडियो होगी 2 से 3 आवर की वीडियो होगी उसमें आपको पूरी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको मैं एक बार मैम का जो फुटर है वो दिखाता हूँ। ये रहा मैम का फुटर, तो ये आइकन्स हैं, तो ये जो इसमें चेंजेस हो रहा है सारी चीज़ें, रिजेक्ट वाला ऑप्शन है तो हमने भी वही सारी चीज़ें करी हैं। देखिएगा इसमें चेंजेस हो रहे हैं कलर और फुटर्स वगैरह, हमने थोड़ा और मार्जिन पैडिंग बीच में दी ताकि अच्छा लगे, अभी ठीक लग रहा है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो लेके, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।